आज हम बात करेंगे भारत के महान स्वतंत्र सेनानी के महान नायक चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के भाबूरा गांव में हुआ था, जो आज उसका नाम बदल कर आज़ाद नगर रखा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और उसकी माता का नाम था जगदानी देवी। चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के देश को आज़ाद करने वाले अनेक आंदोलनों में जुड़े थे। उसमें गांधी जी का असहकार आंदोलन के बाद अन्य भी आंदोलन में साथ सहकार दिया था, जो कि गांधी जी के असहकार के आंदोलन में गांधी जी ने अपना नेतृत्व छोड़ दिया। तब उसने दुख लगा और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी में जुड़े। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज सरकार के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र, सॉन्डर्स की हत्या और काकोरी ट्रेन डकैती जैसे कई गुनाहों में वह शामिल थे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने जज के सामने अपना नाम आज़ाद बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना निवास स्थान जेल बताया। चंद्रशेखर आज़ाद पर बहुत आरोप थे, इसलिए उसको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। उसके मुंह पर हमेशा एक ही शब्द रहता था, वंदे मातरम। उसने कहा था, दुश्मनों का सामना हम करेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे और आज़ादी लेके ही रहेंगे, जो कि अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद उसका अंगरक्षक उसको पकड़ने के लिए आगे आया तो उसने उसकी रिवॉल्वर में बची हुई एक गोली अपने माथे पर चला दी। वह चाहते थे कि जीते जी मैं कभी अंग्रेज सरकार के हाथ नहीं लगूंगा। ऐसे में 27 जनवरी 1931 में ऐसे महान स्वतंत्र सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करके इस वीडियो को अपने मित्र सर्कल में भेजकर उसको भी देश सेवा करने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी शहीद वीरों की जानकारी प्राप्त हो सके। और
उसको अन्य व्यक्तियों को भी भेजिए ताकि ऐसे देश के बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।